पिछले काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हरियाणा में काफी मौजूदा भाजपा विधायकों की टिकट कट सकती है। सूत्रों की माने तो संभावना जताई जाती है कि अब की बार हल्का शाहबाद में भाजपा किसी नए चेहरे को मैदान में लाने की तैयारी में है। इसका मुख्य कारण मौजूदा विधायक का असंतोषजनक रवैया, हर समय विवादों में नाता रहना माना जा सकता है। इसी मौके पर राजनीति फायदा उठाते हुए कलायत के पूर्व विधायक जोगीराम ने भी शाहबाद के हलके से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोगों से मिलना जारी कर दिया है, जिसकी शुरुआत में आज उन्होंने गांव टांगोर व बकाना अन्य गांव के लोगों से सलाह मशवरा किया और अब हर रोज शाहबाद हलके के गांव में लोगों से मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पिछले 5 साल से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एज ए कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का काम कर रहा हूँ। अब पिछले कई महीने से शाहबाद के लोगों ने मेरे को साहब पार्टी के लिए टांगोर गांव में बुलाया, जिसके वहां पर लगभग 10-15 गांव के लोग थे और उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप हमारे हलके से चुनाव लड़ो और हम आपका तन मन धन से साथ देंगे। तो मेरी ये इच्छा है, अगर पार्टी मुझे आप इस योग्य समझे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो मैं पार्टी के आदेशों की पालना करूंगा और हमारे जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, जिन्होंने लोगों के कल्याणकारी किए हैं, सबका साथ सबका विकास और बगैर भेदभाव के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, गरीब आदमियों की मदद की है आज और आतंक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आज हरियाणा के अंदर शांति का माहौल है, ये सब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की देन है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी ये सोच है कि गरीब आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। उन्होंने हमारे गरीब आदमियों के घर घर तक जो गैस चूल्हे पहुँचाए हैं, इससे हमारे गरीब आदमियों के अंदर बड़ा उनके प्रति प्रेम भाव बढ़ा है और आज गरीब आदमी उनके साथ तन मन धन से जुड़े हैं। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आप सब लोगों ने श्री नरेंद्र भाई जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनका तन मन धन से साथ दिया और हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें जीतकर पहली बार एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याण योजना है, उन्हीं के कारण हमारे हरियाणा के अंदर बीजेपी ने ये स्थान हासिल किया है। आज बच्चा बच्चा सभी लोग बीजेपी के साथ हैं और इनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। मैं भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के हर एक जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाता रहता हूं और मैं भी पार्टी का प्रचार करता रहता हूं। पिछले जब सदस्य अभियान चला तो उसमें मैंने कुछ हजारों जो नए युवा थे उनको पार्टी का सदस्य बनाया ताकि आगे इकट्ठे होकर हम सब मिलकर पार्टी की सेवा कर सके। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।